सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए बेहतरीन टेक एंड व्लॉग के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो गाइस आप डब्बा देख के समझ ही गए हो कि हम करने क्या वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड 3 की अनबॉक्सिंग। और आई नो ये वीडियो बहुत दिन बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत सी सारी चीज़ों में और अपने जॉब में था, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा रेगुलरली। गेमिंग तो ऑलमोस्ट मेरा साइड में हो ही गया है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे भी करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो एक्चुअली ये जो फ़ोन है वो मेरी सिस्टर ने मंगाया है, तो हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक्चुअली सील्ड ओपन है इसका, सील्ड इसलिए ओपन है बिकॉज अभी कैसा है कि जो फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है कि अगर आप 10,000 के ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो तो वो पूरा आपको आंखों के सामने अनबॉक्स करके देते हैं, तो सील्ड ओपन है बट फ़ोन अभी तक हमने नहीं खोला है। तो कैसा रहता है इसका अनबॉक्सिंग, कैसा रहता है इसका लुक, तो चलो हम देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपको इस फ़ोन में क्या प्यारा लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं वो मैं हाइलाइट्स में बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या निकलता है और ये देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें नहीं, ऐसे फीचर्स आते हैं जो हमें इस फ़ोन के साथ या वन प्लस के जो आने वाले फ़ोन हैं उनके साथ जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना बिकॉज जिससे कि मेरे जब भी वीडियो कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या निकलता है और क्या क्या खास फीचर्स आते हैं इस फ़ोन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, तो मेरी सिस्टर का बहुत मन था कि इसको वन प्लस का फ़ोन खरीदना, वन प्लस का फ़ोन खरीदना, तो उसने मंगा लिया। तो मैंने बोला चलो मैं अनबॉक्सिंग ही कर देता हूँ और मेरे दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को और जो मेरे व्यूअर्स हैं। एक्चुअली मुझे व्हाट्सअप पे बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में जो हैं मेरे, उनके मैसेज आते रहते हैं कि न्यू वीडियो कब आ रहा है, न्यू वीडियो कब आ रहा है, और मैं इसी चक्कर में फंस जाता हूँ बिकॉज कि मैं मेरे वर्क में, मेरे ऑफिस के काम में या मेरे पर्सनल काम में इतना ज़्यादा बिजी जाता हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ। बट अभी जो नया साल आने वाला है इसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी वीडियोज आप तक पहुँचा सकूँ। एक्चुअली बेसिक थिंग ये है कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं रहता, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता तो वीडियो एडिट कहाँ से करूँगा। और देखते हैं कि अब क्या मिलने वाला है इसके अंदर और क्या चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं और बाकी चीज़ें। चलो चलते हैं हमारी टेबल पे और चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं। तो दोस्तों ये है वन प्लस नॉर्ड 3 5G का डब्बा। एक्चुअली डब्बा ऑलरेडी खुला है बिकॉज जब हमारे पास डिलीवरी आती है तो वो जो डिलीवरी बॉय है वो ऑलरेडी खोल के देता है, बट मैं तब भी एक बार आपको प्रॉपर पैक करके मैं दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर निकलता क्या है। तो ये इसका डब्बा, इसके साथ ये अपने को मिलता है ये एक प्रॉपर पैकेट जिसमें हमें कवर मिलता है, जो कवर के साथ हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी वन प्लस वालों की कि जिस कलर का आपने फ़ोन मंगाया है उस कलर का ही आपको इसका बैक कवर मिलेगा, साथ में कुछ ज्ञान की बातें स्टिकर मिलेंगे और एक आपको रेड केबल का कार्ड मिलेगा जो वारंटी दिखाता है कि स्कैन टू क्लेम योर वेलकम बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। फिर उसके नीचे हमारा रहता है फ़ोन अभी हम साइड में रख देते हैं। फिर इसके साथ एक हमें मिलता है, उनको मिलता है 60W का चार्जर, जो ये रहा इसका, सॉरी 80W का चार्जर, साथ में इसकी टाइप ए टू टाइप सी का केबल रहता है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद एक खाली डब्बा। अब हम काम बात करते हैं इस फ़ोन की। तो जो हमने ये फ़ोन मंगाया है वो है 256GB का और 16GB रैम वेरिएंट। इसका कलर जो है बहुत ही शानदार है, बैक साइड से ये ब्लू कलर का है और ये फ्रंट साइड से, और जो दिख रहा है आपको ये बहुत ही लग्जरीज है और बहुत ही अच्छा कलर है, फील भी बहुत अच्छा है। पीछे साइड में ग्लास मेटल का फिनिश दिया है,
फ्रंट में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। सो ये इसकी अनबॉक्सिंग है जो मैंने दिखाया आपको कि डब्बे के अंदर क्या निकलता है। ये इसका अनबॉक्सिंग है जो मैं बस मुझे ये दिखाना था कि इसके अंदर क्या निकलेगा। तो बाकी की डिटेल्स हम सामने फिर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ हाईलाइट्स हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों ये तो देख लिया कि हमें इस फ़ोन के साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अब देख लेते हैं कि इस फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहला है जो हमें मिलने वाला है कि हम पहले इसकी बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी का जो टोटल वेट है वो है 193.5 ग्राम का, और जो फ्रंट और बैक में आपको ग्लास पैनल मिलेगा बट और जो इसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, जो प्रॉपरली आपको अगर आप टच करोगे साइड से तो एज ए मेटल दिखेगा, बट आपको प्रॉपरली एक प्लास्टिक का फ्रेम है जो प्लास्टिक के फ्रेम में आता है, बट फ्रंट साइड और बैक साइड में आपको पूरा ग्लास दिखेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो है 6.74 इंचेस का, जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है जिससे आपकी कैपेसिटी सिक्योरिटी की वो बढ़ जाती है। उसके साथ जो उसका जो ग्लास है वो ड्रैगनोटेल का ग्लास है, और साथ में आपको एक चीज़ और मिलती है कि अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपके लिए जो साइड प्रोटेक्शन है वो बहुत ही अच्छा दिया है, बिकॉज़ अगर आपकी आंखें बंद हैं या सारी चीज़ें बंद हैं तो आप अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस बॉडी के साथ साथ इसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या दिया है। तो ऊपर साइड में आपको दो सेंस तीन डॉट्स मिलेंगे, जिसमें एक फ्रंट एक रहेगा आपका सेंसर जिससे आप एसी या टीवी को एक्सेस कर सकते हो, और दो माइक दिए हैं एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए और एक वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। ओके सो अब बात करते हैं हम इसके राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको दो बटन मिलेंगे, जी हाँ दो बटन मिलेंगे इस साइड में। तो ये एक जो बटन है वो पावर बटन है जिससे आप फ़ोन अनलॉक और पावर ऑफ और ऑन कर सकते हैं, और एक स्लाइडर बटन है जिससे कि आप अपने फ़ोन को डायरेक्ट एक ही टाइम पे साइलेंट नहीं तो उसको टोटली आप अपने आप से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे आईफोन में दिया रहता है वैसा आप कर सकते हो। बट आईफोन में अब ये फीचर हट गया है और एंड्रॉयड में अब ये आने लगा है, तो ये चीज़ें अच्छी है, आईफोन वालों ने हटा दिया, एंड्रॉयड वालों ने डाल दिया, तो वो फील जाना नहीं किया। अब बात करते हैं हम इसके नीचे साइड में। तो आपको इसके नीचे साइड में इसका एक सिम ट्रे मिलेगा, जहाँ पे आपको नैनो का डुअल सिम ट्रे मिलेगा, साथ में आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलता है। यहाँ हेडफोन जैक इसमें नहीं है, बट आप कन्वर्टर लेके आप कन्वर्टर जो आता है उससे लेके हेडफोन यूज़ कर सकते हैं वायर्ड वाला, अदरवाइज आप ब्लूटूथ प्रीफर कर सकते हैं। साथ में एक माइक का स्पॉट दिया है जहाँ पे आपका मेन माइक रहेगा जब आप कॉल करोगे तो वो यूज़ करने के लिए, और साइड में ही उसके एक स्पीकर ग्रिल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में आपके वॉल्यूम रॉकर्स के बटन है अप डाउन करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के पीछे क्या सेगमेंट दिया है। एक्चुअली पीछे में यहाँ पे आपको दो कैमरे के सेक्शन दिखेंगे और दो फ्लैश दिखेंगे, बट इसमें दो कैमरे नहीं, इसमें तीन कैमरे हैं। पहला जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो इसका मेन कैमरा है। दूसरा कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। साथ में ही आपको एक फ्लैश दिखेगा, बट यहाँ पे एक मेन फ्लैश है और ये एक सेंसर है जो इस फ़ोन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो इस फ़ोन के टेम्परेचर को एनालाइज करता है कि एक्चुअली इस फ़ोन के अंदर थोड़ी सी कूलिंग के लिए ज़्यादा काम किया गया है। तो ये जो एक नीचे का पॉइंट है ये फ्लैश नहीं है, ये एक सेंसर है जो बाहर की हीट को अंदर के फ़ोन की हीट से मेंटेन करता है, एनालाइज करता है, उसके हिसाब से फ़ोन का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फ्रंट साइड में क्या आने वाला है। तो सिंगल कैमरा आपको सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिखेगा, जो आपको फेस लॉक और अनलॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। साथ में आपको यहाँ पे डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलेंगे, एक जो स्पीकर है वो इसके नीचे साइड में, ये इस साइड ड्रिल दिया है वहाँ पे है, बट जो दूसरा स्पीकर है वो यहाँ पे ऊपर साइड में दिया है, यहाँ पे नहीं देके फ्रेम में ना देके उन्होंने ग्लास के ऊपर दे दिया है जहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा है उसके थोड़ा सा ऊपर। तो दोस्तों जो मैंने ये वेरिएंट मंगाया है वो है मिस्टी ग्रीन, और इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो है 16GB 256 इंटरनल के साथ। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है 8GB 128 और दूसरा आता है 16GB 256। सो ये मेरा हाई वेरिएंट है जो मैंने मंगाया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको
क्या क्या फीचर सपोर्ट मिलता है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस में अंदर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको इस फ़ोन जब आप इसको अनबॉक्स करके आप परचेस करेंगे तो आपको एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिलेगा और इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस का 13.1 का वर्जन मिलेगा जो अपडेट्स के साथ प्रीफर होते होते अपडेट होता रहेगा। साथ में अगर हम चिपसेट की बात कर सकते हैं तो इसमें मीडिया डायमेंसिटी का 9000 का चिपसेट लगा हुआ है। साथ में ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है तो जीपीयू सीपीयू आपका एकदम फास्ट टू फास्ट चलने वाला है। साथ में 5G का सपोर्ट है तो बहुत ही चीज़ है कि आप इसमें 5G दोनों सिमों के अंदर प्रीफर कर सकते हो, मतलब आप दोनों सिम में एक साथ 5G यूज़ कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा नेटवर्क प्रीफर कर रहे हो, चाहे फिर वो जियो हो और एयरटेल, बिकॉज अभी जियो और एयरटेल ही इंडिया में 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास ये दोनों चीज़ों में से होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी है उसकी, तो इसमें लिथियम आयन का 5000 mAh का बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसके डब्बे में जो चार्जर निकलता है वो 60W का है, तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 10 to 20 minutes में ये 0 to 70% चार्ज हो जाता है, जो एक आज के टाइम में आज की फास्ट लाइफ के हिसाब से एक प्रॉपर चीज़ है और ये फ़ोन उस चीज़ में बेहतर है, तो मैं इसके लिए प्रेफर करूँगा आपको कि आप ये फ़ोन लें। अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। तो एक्चुअली ये इसका जो फ्लक्चुएशन है प्राइस का वो बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है। मेरी सिस्टर ने जब इसको बुक किया था तब इसका प्राइस आई थिंक 36,000 समथिंग था, बट जब हमने इसको प्रॉपर एड टू कार्ट किया और फाइनल हमने जब ऑर्डर प्लेस किया तब ये 37,495 समथिंग का पड़ा। तो प्राइस से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, और साथ ही साथ उस टाइम पे आप किस टाइम पे कब क्या परचेस कर रहे हो उस टाइम के हिसाब से ये फ़ोन आपको मिल सकता है। अब हम इस चीज़ के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, तो आप बताओ कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये कि इस फ़ोन में जो कैमरे दिए हैं वो एक्चुअली वन प्लस सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कैमरे के लिए, तो मैं कुछ शॉट्स आपको डाल दूंगा जो आप देख लेंगे। कुछ शॉट्स मैंने फ्रंट कैमरे से लिए हैं, कुछ शॉट मैंने बैक कैमरे से लिए हैं, तो वो मैं एक एक करके लगा दूंगा, तो आप लोग देख लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो वो शॉट्स इस कैमरे से ही निकाले गए हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वन प्लस नॉट 3। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कर देता हूँ इसको डब्बे में पैक, क्योंकि नया फ़ोन है, गिर गिरा गया तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं इसको डब्बे में पैक कर देता हूँ। तो आप तब तक मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और बताइए कैसा लगा आपका वीडियो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और बताते रहना कि किस तरह के आपके वीडियोस चाहिए। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ले शिवांगी हो गया तेरा अनबॉक्सिंग। अबे नया फोन टूट गया।